नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। दोस्तों, SBI ने अपना होम लोन का रेट है वो कम कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 7.40, वो कम हो गया है 15 बेसिक पॉइंट से, और अभी रेगुलरली हो गया है 7.25%। तो दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट्स कम होने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो हो गया है 7.25%, मतलब 7.25% के आसपास। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खास आप नोट कीजिएगा, हर एक न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि MCLR से रिलेटेड है। अब कॉमन मैन को यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि MCLR है क्या। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं पूरा का पूरा आज वीडियो में बना रहा हूँ, और हमारी होम लोन है वो MCLR से लिंक है या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी इसके बारे में मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से वैल्यूएडेड इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, होम लोन के अंदर कॉमन मैन को इतनी बात पता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में ये लोगों ने डिक्लेयर किया है कि MCLR से रिलेटेड जिनका लिंक है होम लोन का, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। तो सभी को बेसिक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा मेरा लोन है वो MCLR से लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहले तो इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि MCLR है क्या। MCLR है जनरली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स, MCLR। जनरली अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल में आपको जानकारी दूँ तो इसकी हिस्ट्री है कि 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में डॉक्टर रघुराम राजन जी ने इसके बारे में डिक्लेयर किया था। जनरली हुआ क्या था कि सारी बैंक से ये इन्होंने RBI को एप्लीकेशन दी थी, अपील की थी कि देखिए हमारा रेपो रेट बेस रेट है, रेपो रेट वो कम कर दीजिए ताकि ये रेट का जो फ़ायदा है वो हम हमारे कस्टमर को कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। RBI ने ये एप्लीकेशन है वो ग्रांट कर दी और सभी के रेपो रेट है वो कम कर दीजिए। हुआ ये कि बैंक के अंदर सभी बैंक ने रेपो रेट का फ़ायदा कस्टमर को नहीं दिया, कुछ लोगों ने इसका जो मार्जिन होता है वो अपने लिए एनकैश करना शुरू कर दिया, कुछ बैंक ने दिया कुछ बैंक ने नहीं दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर रघुराम राजन जी ने एक स्मार्ट वर्क किया, अब इसे लिंक कर दिया MCLR से। MCLR में क्या होता है कि इसका टोटल 4 फैक्टर है वो इससे लिंक होते हैं। तो अब अगर बैंक ऐसा कहती है कि रेपो रेट कम हो गया है तो आपके होम लोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब ये इफेक्टिव हो गया है 1 अप्रैल 2016 के बाद। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपकी होम लोन है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद से है तो MCLR से रिलेटेड है और लिंक है, और आपका अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है वो लागू हो जाएगा। 2016 के पहले की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी लोन है उनके ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू नहीं होगा, वो है वो बेसिक रेट पे लागू होगा। तो ये MCLR से रिलेटेड जो लिंक है, ये जो फंडा है, वो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी प्रकार की अगर इसकी इफेक्ट नहीं हो रही है तो मैं आपको दो फाइनेंशियल टिप है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। नंबर एक, आप अपना बैंक, उसी बैंक के अंदर अपना लोन है वो बेस रेट से MCLR में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि आपका लोन का टेन्योर कितना बाकी है। अगर आपका लोन ख़त्म होने वाला है तो फिर ये टेन्योर का लाभ लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका लोन बहुत टेन्योर बाकी है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये MCLR है उससे आप कनेक्ट करवा दीजिए ताकि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती हो जाएगी और आपका EMI है वो कम हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में आज के जो न्यूज़ है EMI कम करने के, तो जिनकी 25 लाख के ऊपर की लोन है वो उनका 696 रुपये तक का EMI है वो कम हो रहा है पर मंथ। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका ये MCLR के लिंक से कनेक्टेड है या नहीं है वो आपको देखना है। अच्छा, दूसरा टिप, उसी बैंक के अंदर आपको नहीं करवाना है तो दूसरी बैंक में आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको रीफाइनेंस भी कहते हैं। आपका लोन जो भी चल रहा है उसी लोन को आपका एक बार आपको कैलकुलेशन रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाती है, इसके अंदर आपका मॉर्गेज का खर्चा आ जाता है, आपका लॉयर का जो वैल्यूएशन का रिपोर्ट है, ये सभी आपके एक्सपेंसेस है वो अंदर आ जाते हैं, प्लस इंश्योरेंस है
आपका जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है, ये सारे फैक्टर्स है, सारे एक्सपेंसेस भी अंदर आ जाते हैं इंक्लूड। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपका बेस रेट है वो ये MCLR के रेट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मैं आपको अभी फिगर नहीं बता सकता क्योंकि हर एक बैंक में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अभी जारी है। तो आपका अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा आता है तो कैलकुलेशन के साथ आप रीफाइनेंस और बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये ऑप्शन को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी आज की दो खास फाइनेंशियल टिप थी कि SBI का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, अगर आपका होम लोन चल रहा है और MCLR से रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको MCLR के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, उससे लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक करवा दीजिए, बैलेंस ट्रांसफ़र भी करवा दीजिए, आपको जो भी ऑप्शन है वो कनेक्ट लगे वो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक आपने दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर मेरे वीडियो के अपडेशन मिलते रहे। तब तक रहिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।